क्या आपको पता है कि किकिनहॉक का ये जो नाम है ये बेंटन के क्रिएटर्स ने काफ़ी बाद में रखा था। किकिनहॉक के इस नाम से पहले बेंटन के क्रिएटर्स ने काफ़ी अजीबोगरीब नाम रखने का सोचा था। और आयरनिकली केमिस्ट्री बेन का काफ़ी वीक सब्जेक्ट है, बट उसके पास एक ऐसा एलियन है जो कि केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड उसी एलियन के थ्रू बेन की भी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। एंड पिस्की डस्ट बेन के काफ़ी डेंजरस एलियंस में से एक है, एंड ऐसा खुद बेन ने बोला था। आज की वीडियो में आप लोग ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ यही वर्ड्स निकलेंगे। फैक्ट नंबर 10। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि बेंटन ओमनिवर्स में बेन के एक फेवरेट एलियन को ओमनिटेक से हाथ धोने पड़ जाते थे, मतलब कि ओमनिटेक से उस एलियन का डीएनए रिमूव हो जाता था। एंड हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेन के फेवरेट एलियन फीडबैक की। तो जब बेन को फीडबैक का लॉस हो जाता है तो फीडबैक वन ऑफ दी फोर ऐसे एलियंस की लिस्ट में आ जाता है जो कि ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स से टेम्परेरी डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव हो जाते हैं। बाकी के तीन एलियंस के नेम है क्रोमास्टोन, वेबिक एंड सोमफायर। फैक्ट नंबर 9। मैंने अपने बेंटन के फैक्ट वीडियोज में काफी सारे ऐसे एलियंस बताए हैं जिनका लुक्स एंड अपीयरेंस किसी और शो के कैरेक्टर से मिलता जुलता होता है, और इस बार भी मैं तुम्हें बेन के एक स्कैरी एलियन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि किसी और कैरेक्टर से मिलता जुलता है। मैं बात कर रहा हूँ टोएपिक के बारे में। टोएपिक गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज के हेट्स नाम के कैरेक्टर से सिमिलर है। ये दोनों ही कैरेक्टर्स फैट हैं, इन दोनों के ही हेड पर केज है, और इन दोनों ही कैरेक्टर का फेस फियरफुल है, एंड एनी रीजंस की वजह से इन दोनों कैरेक्टर्स का अपीयरेंस काफी क्लोज है। फैक्ट नंबर 8। बाकी के इनकर्जन्स के कंपैरिजन में बुलफ्रॉग काफी मस्कुलर एंड डेवलप्ड है, क्योंकि इनकर्जन स्पीसीज के काफी मेंबर की डाइट काफी पुअर है, एंड इसी वजह से बुलफ्रॉग देखने में काफी हेल्दी एंड फिट है, बट बाकी के इनकर्जन्स तो माचिस की स्टिक की तरह हैं। फैक्ट नंबर 7। आयरनिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान बेन का काफी वीक सब्जेक्ट है, और मेरा फिजिक्स। बट गटरोट की हेल्प से बेन को केमिस्ट्री की काफी नॉलेज मिल सकती है, क्योंकि गटरोट केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, मतलब केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है। ये किसी भी टाइप की गैस को क्रिएट कर सकता है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो, लाफिंग गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, या फिर पीछे से निकलने वाली गैस हो। हर तरह की गैसेस की नॉलेज गटरोट को है, एंड इसी वजह से ये केमिस्ट्री में काफी इंटेलिजेंट है, और इसके थ्रू बेन की भी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। एटॉमिक्स की चेस्ट पर आप जो ये निशान देख रहे हो तो हो ना हो आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं कि ये गैल्वन टैग का सिंबल है, और दूसरी तरफ ये एटॉमिक्स के चेस्ट पर है, और एटॉमिक्स का तो होम प्लैनेट भी अननोन है, मतलब फिलहाल के लिए पता नहीं कि एटॉमिक्स की स्पीशीज क्या है और उसका होम प्लैनेट कौन सा है। बट इस गैल्वन टैग के सिंबल से एक थ्योरी निकल कर आती है जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि एटॉमिक्स गैल्वन की स्पीशीज से ही रिलेट करता है या फिर बिलोंग करता है, बट ये थ्योरी पूरी तरह से रॉन्ग है। बावजूद इसके कि एटॉमिक्स के चेस्ट पर गैल्वन टैग का सिंबल है, वो दूर दूर तक गैल्वन्स की स्पीशीज से रिलेटेड नहीं है, चाहे मामला शेप का हो या फिर फॉर्म का हो, एंड पावर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट नंबर 5। तो देखो, जब बेन के एलियन बॉल विविल का कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया गया था तो उस टाइम बॉल विविल का नाम टर्ड बर्गलर और कलेक्टिव बॉल सोचा गया था। देखो, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो बेंटन के क्रिएटर्स चाहते तो शो में भी बॉल विविल का नाम इन दोनों में से ही कोई एक रख सकते थे, बट बाद में उन्हें पता चला कि टर्ड बर्गलर और कलेक्टिव बॉल नाम के प्रोडक्ट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने बाद में इन दोनों नामों को छोड़कर बॉल विविल नाम को फाइनल किया और वही नाम बॉल विविल को दे दिया। फैक्ट नंबर 4। जिस तरह से मैंने तुम्हें फैक्ट नंबर 5 बताया था, फैक्ट नंबर 4 भी उसी टाइप का है, बस ये फैक्ट किकिनहॉक से रिलेटेड है। तो जब किकिनहॉक की पावर्स एंड लुक्स पर वर्क किया जा रहा था तो इसे काफी सारे नाम दिए गए, मतलब कि इसके लिए काफी सारे नाम सोचे गए, जैसे कि का चिकन, ची किकिन और की चिकन जैसे कुछ नाम, इन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बट लास्ट में मैट वाइन ने इसका नाम फाइनल किया और किकिनहॉक रख दिया। फैक्ट नंबर 3।
पेस्की डस्ट बैन का एक ऐसा एलियन है जो कि किसी को भी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे ड्रीम दिखा सकता है, और इसने ऐसा किया भी है। बेंटन ओमनिवर्स के फॉर अ फ्यू ब्रेन्स मोर वाले एपिसोड में पेस्की डस्ट ने जो ड्रीम खाइबर को दिखाया था वो खाइबर का सबसे ज्यादा वर्स्ट नाइटमेयर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेंटन ओमनिवर्स के स्क्विड गेम वाले एपिसोड में जिसका नाम था द मोस्ट डेंजरस गेम शो, तो इस एपिसोड में जब काय बैन से कहती है कि पेस्की डस्ट काफी क्यूट एलियन है, बट बैन उसे बताता है कि उसकी पेस्की डस्ट की फॉर्म एक्सट्रीमली डेंजरस है और कोई भी उससे लड़ नहीं सकता, शायद से ऐसा ही कुछ कहा था, बाकी तुम खुद सुन लो। ये वाला एलियन कितना क्यूट है। तुम्हारा मतलब है खतरनाक, पेस्की डस्ट के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, एटॉमिक्स बैन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है। ऐसा मैं नहीं कहता बट ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है, और बैन को भी एटॉमिक्स काफी पसंद है। इनफैक्ट सिर्फ बैन को ही नहीं बल्कि कैन को भी एटॉमिक्स बेहद पसंद है, और जब कैन को ओमनिटेक्स मिला था तो वो सबसे पहले एटॉमिक्स ही बनना चाहता था, एंड एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो काफी एक्साइटेड भी था। सो एटॉमिक्स इतना ज्यादा स्पेशल एलियन है कि फादर एंड सन दोनों को ही वो इतना पसंद है कि वो लोग ज्यादातर उसी में ट्रांसफॉर्म होने का सोचते हैं। मतलब बैन इतना नहीं सोचता, लेकिन जब कैन को ओमनिटेक्स मिला था तब वो सोच रहा था कि सबसे पहले एटॉमिक्स में ही ट्रांसफॉर्म होगा। एंड इस फैक्ट के थ्रू ये पता चलता है कि एटॉमिक्स बैन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन माना जाता है, एंड ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ओमनिटेक्स के यूजर्स को वही ज्यादा पसंद है। सो फाइनली बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में, बट फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, बट अगर नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो अब जान लेते हैं फैक्ट नंबर 1 को। तो देखो, बेंटन ओमनिवर्स के द फ्रॉग्स ऑफ वॉर पार्ट 2 वाले एपिसोड में जब बैन बुलफ्रॉग की फॉर्म में होता है तब वो अटिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उस टाइम पर अटिया को बुलफ्रॉग एंड बुलफ्रॉग को अटिया काफी पसंद आने लगते हैं। बट बाद में बैन बताता है कि ये सब सिर्फ इनकर्जन के डीएनए होने की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जब बैन फोरआर्म्स की फॉर्म में होता है तब उसे अपनी स्पीसीज की प्रिंसेस लूमा उतनी पसंद नहीं आती जितनी बुलफ्रॉग की फॉर्म में अटिया पसंद आ जाती है। और जिस तरह से बैन ब्लेम कर रहा था इनकर्जन के डीएनए को उस टाइम पर, उसी तरह से अगर तुम्हें याद हो तो बेंटन एलियन फोर्स में जब अल्बिडो फ्रेंच फ्राइज खाता था तब वो इसी तरह से बैन के डीएनए को ब्लेम करता था और कहता था कि ये सब बैन के डीएनए की वजह से हो रहा है। अब देखो, ये तो ठीक से नहीं बताया गया है कि बुलफ्रॉग को सच में अटिया पर क्रश आ जाता था, मतलब बैन को ही अटिया पर क्रश आ जाता था, या फिर ये सब सच में इनकर्जन के डीएनए की वजह से हो रहा था। मुझे तो यही लगता है कि इनकर्जन के डीएनए की वजह से बैन उस टाइम पर अटिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एंड इन फैक्ट्स को छोड़कर एक बोनस फैक्ट भी जान लेते हैं। देखो, जिस तरह से तुम्हें पता है कि बैन के पास काफी सारे टाइप्स के एलियन हैं, जिस तरह से फायर टाइप, वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप, फास्ट टेस्ट एंड और भी कई तरह के, और इसी तरह से बैन के पास एक कैटेगरी और है, वो है हैंडसम एलियंस की, एंड जो बैन का मोस्ट हैंडसम एलियन है वो है बुलफ्रॉग। तो आपको ये वाला फैक्ट भी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक कमेंट कर देना, अच्छा सा बताना व्हाट इफ वगैरह करके, कोई नॉर्मल बताना जैसे वर्सेस बैटल, टॉप 5, टॉप 10, कुछ अच्छा ही बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।